हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की पूरन पूरी। इसमें हम कुछ लोग इसका मीठा खाते हैं, हम इसमें नमक डालकर बनाएंगे, यानी कि ये सॉल्टी रहता है इसका पराठा। पहले हमने चने को क्या किया, उबाला। उबालने के बाद फिर हमने इसको मिक्सर जार पर बढ़िया से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, खड़ा धनिया को हल्का सा भूंज लेंगे, फिर उसको पीस लेंगे, फिर इसमें जीरा हल्का सा गर्म करके उसको भी पीस लेंगे, फिर लाल मिर्च 2-3 जवा लेकर उसको भी पीस लेंगे, प्लस लहसुन। इसमें खास है लहसुन को पीसना नहीं है उसको, या तो आपके पास सिल है तो सिल में हल्का सा पीस लीजिए, या फिर उसको चौकी बेलना में हल्का सा दरा लीजिए, या फिर कूट लीजिए, उसके थ्रू आप इसमें डालिए तो बहुत ही सुंदर टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें पीस लिया, अब मैं अपने इसमें जो जो मसाले बताए हैं सब मैं इसमें मसाले डालूंगी अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इन सभी मसालों को भूंज कर पीस लिया है। इसमें धनिया, मिर्च, जीरा, हल्दी, ये सब मिला हुआ है। ये मैंने हल्दी डाल दी, इसी में मैं अपना स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, और हींग मैंने पहले ही मसालों में डाल दी, थोड़ी सी डालनी थी। कम से कम इतना लहसुन आप कूट कर डाल दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे दरदरा इसको कूट लिया है। अब यह मेरा दाल का मसाला पूरी तरह बनकर तैयार है। बस इसे अब मैं आटा लगाकर उसके अंदर भरूंगी, जैसे कि हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही। अब ये मैं आटा लगा रही हूँ, इसका मुझे सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी और कुछ मसाले हल्के से धनिया वगैरह डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लगा है आटा। बस इसमें आपकी पूरियां फटेंगी भी नहीं और बहुत ही सुंदर पराठा आएगा। पहले हम अपने आटा के पेड़े की इस तरीके से कटोरी बना लेते हैं, फिर हम अपना ये मसाला, चने की दाल का मसाला, इस कटोरी पर, आटे की कटोरी पर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। बस अब इनको हमको बंद कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको फिल करके फिर हम इसको ऐसे दबा लेते हैं। ये देखिए, ये बस अब क्या है, इसे हमें बेलना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। ये हमारी बनती बहुत बड़ी है पूरी, और ये मेरा तवा गर्म हो गया था तो मैंने इसको अभी पराठे को डाल दिया, दाल वाली पूरी को। अब ये वन साइड से सीख गई है। अब हम इसमें अपना सरसों का तेल, जिसको जो लगाना हो सरसों का तेल, कुछ लोग बटर ऑयल, ये सब लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सीख चुकी है। अब ये मेरा पराठा टोटल बनकर तैयार हो गया है, सीख गया है। इसी प्रकार हम अपने सभी पूड़ियों को बनाकर सेंक कर रखते जाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पूड़ियाँ बन बनकर निकलती जा रही हैं। ये मेरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी ये पूरन पूड़ी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।